फराह की सारी हकीकत नौशेरमा के सामने आ जाएगी, उसके बावजूद भी फराह अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आएगी। वो नौशेरमा को कहेगी कि मैं तो तुम्हारी तीसरी बीवी बनना चाहती हूँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी दो शादियाँ हो चुकी हैं और मैं तीसरी शादी तुमसे करना चाहती थी। तुमने अगर मेरा पास्ट मेरे सामने ला खड़ा कर भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मेरी एक शादी और मेरा एक बच्चा है तो तुम भी तो शादीशुदा इंसान हो, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर सकते। जिस पर यहाँ पर नौशेरमा कहेगा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी अगर एक शादी हुई थी तो वो मेरी मजबूरी की शादी थी, वो औरत मेरी भाभी है जिसको मैंने कभी भी बीवी का मुकाम नहीं दिया, और दूसरी शादी मेरी मोहब्बत की शादी है और वो इस वजह से हुई क्योंकि तुम मुझे प्यार और मददगार छोड़ गई थी। अगर तुमने मुझे ना छोड़ा होता तो शायद आज मैं तुमसे शादी करके बैठा होता, और तुम्हारी इन गलतियों को मैं हरगिज़ हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। तुम अपने पुराने शौहर के साथ रब्ता करो और उसके साथ ही अपने बच्चे को कंटिन्यू